अल्लाह वेलकम टू लाइफ स्टाइल विद साहिबा कैसे हैं आप लोग अच्छा आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसे सुपर स्टार से जो स्टार तो बहुत बड़े हैं लेकिन उससे भी अच्छे इंसान हैं यारों के यार हैं और बहुत ही प्यारे दोस्त भाई साउथ साहब अस्सलाम वालेकुम क्या इतनी तारीफ़ है <laughs> नहीं नहीं खैर इतनी तारीफ़ें नहीं जो हकीकत है वो हकीकत है uh, बहुत शुक्रिया आप शो में आए मेरे और इतने सुकून से बैठे हैं जैसे घर में बैठे हैं तो घर में ही शो करें तो घर में बैठ के करेंगे, से करेंगे और क्या और मज़ा आ रहा है और घर वालों के साथ शो तो फिर ऐसे ही होता है हाँ बिल्कुल अच्छा सऊद साहब क्योंकि आपका एक और नाम भी मुझे पता है हम सबको पता है फूल मियाँ अच्छी बात फूल मियाँ और देखिये साहब का नाम फूल मियाँ है और गोभी का फूल अब अच्छा पहले क्या कहती थी पहले आप, <laughs> आप. <laughs> अच्छा मैं कह रही हूँ जरा चलते हैं फूल मियाँ की तरफ के क्या कैसा बचपन होता था कैसा बच्चा था फूल मियाँ मासूम बच्चा था नहीं ये नहीं हो सकता यही हुआ है अच्छा हाँ मैं सेवन डे में पैदा हुआ था कराची में सेवन डे हॉस्पिटल अमेरिकन हॉस्पिटल था अच्छा तो मैं बचपन से सोचता था मैं शायद अमेरिकन हूँ मैं वहाँ पे मुझे ना बस ही है नहीं हाँ। और जब मैं हुआ था तो वाकई जो कहते हैं घर वाले बड़ा क्यूट सा था अभी नहीं हाँ। उस वक्त की बात करें छोटा से जब था तो इसलिए माशाल्लाह काफ़ी खातन कहती हैं कि आप क्यूट हैं हाँ, हाँ।, हाँ।, हाँ। <laughs> सोच में पड़े हाँ कहते तो बस कहते पर क्यूट सा था, सुर्ख था वो। इसलिए कहते थे अभी शूटिंगों में रंग काला हुआ वैसे आपस की बात है आ, वो तो है सभी हीरोज का हुआ है, अब पहले हमसे बेवकूफ़ियाँ पता क्या नहीं जब हुँ, हुँ, हम फिल्म्स करते थे ना हमें बड़ा फील होता था कि यार मैं हीरो हु, मर्द हूँ मैं मेकअप करूंगा अजीब सा लगेंगे ये चाहे ओशान हो चाहे रेम्बो साहब हो चाहे कोई हो हम लोगों ने मेकअप ही नहीं किया और बारह बारह रिफ्लेक्टर इतना आपने भी काम किया माशा तो हमें वो ये होता था कि नहीं यार हम तो ऐसे करेंगे काम अच्छा लेकिन आज आजकल ऐसा नहीं है आजकल लोग अपनी स्किन की बड़ी केयर करते हैं और मेकअप भी करते हैं आप लोगों को भी करना चाहिए था ताकि बच जाती अब तक स्किन लेकिन लेकिन वैसे नहीं लेकिन जो जिन्होंने जो, नहीं किया वो भी हमारे साथ के लिए वो करते रहे <laughs> अच्छा आज की नई जनरेशन जो है ना वो केयर बहुत कर रही है और नई जनरेशन ने अपने आपको बहुत संभाला नहीं आप कह रही थे उसको तो मैंने कहा कि नई जनरेशन बहुत अच्छा अपने आपको संभाल के रख रही है आप आपके बेटे माशाल्लाह ऐसे इनको देखो बड़ा अपने आप को उसने स्टाइल में रखा हुआ है हाँ। तो अगर आप देखें आजकल की जनरेशन नए लड़के लड़के बहुत अपने आप को उन्होंने ग्रूम किया और बहुत स्टाइल में रहते हैं हाँ, हाँ तो ये ये वैसे करना चाहिए वक्त के साथ साथ अपने आप को ग्रूम करना चाहिए और हमेशा ही करते रहना चाहिए बिल्कुल अच्छा कैसा रिलेशनशिप था पेरेंट्स से क्योंकि आपके बहुत माशाल्लाह बहन भाई बहुत ज़्यादा हैं। कितने बहन भाई हैं आ, हम आठ भाई हैं और दो बहन है दो बहन है माशा बड़ी फैमिली तो आ, क्या आपका क्या नंबर आता था मेरा नाइन नवा नंबर है। नवा नंबर अजहर का है। तो अच्छा इसमें तो ना तो एक बीच तो तो में एक और भाई था जो हाँ। असमा से छोटा था और महमूद से बड़ा था खालिद वो नहीं उसका इंतकाल गया तो वो हम ग्यारह थे वैसे अच्छा हाँ। और आ, नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि कैसा सलूक होता था आपके साथ बहुत एक्स्ट्रा केयर होती है ना जो थोड़े एक दो बच्चे होते हैं मैं बताऊँ हर घर में घर का बड़ा और घर का सबसे छोटा हाँ। सबसे चहीते वो होते हैं बीच वाले जो है ना आए नहीं आए होते दुनिया में <laughs> कोई वो नहीं होती सब खा रहे तो सबके साथ खा लिया बैठे तो सबके साथ बैठ गए लेकिन जो Uh, मेरी नज़र में ना सबसे बड़ा और सबसे छोटा अगर दो घर का बड़े हो ना जैसे मियाँ भी घर का बड़ा हो और बीवी भी, भी, भी घर की बड़ी हो ओहो हाँ। oh, oh, बहुत लड़ाई होती है बनती नहीं है या घर के सबसे छोटे हो हाँ। क्योंकि उनके शुरू से नखरे बहुत होते हैं ना आप माशाल्लाह जब ऐसन को देखो ना वो मतलब ऐसे तो रहा ही नहीं ना तो बादशाहों की तरह शहजादों की तरह रहा है और इस तरह जन्नत माशाल्लाह तो और, और औरों की भी सबके बच्चे मतलब ये नहीं सिर्फ हमारी होते हैं स्पेशल सभी के बच्चे ऐसे होते हैं जो पहला बच्चा होता है ना मैं तो यकीन करता हूँ कि पहली मोहब्बत पहली शादी पहला बच्चा ये सब जो है पहली दफ़ा जो होता है ना उसका अपना एक वो होता है अच्छा ज़ाहिर है वालदे जो आपके थे क्या क्योंकि एक मजहबी घराना और वो कुछ और बनाना चाहते होंगे वो क्या बनाना चाहते थे आपके अब्बा क्या बनाना चाहते थे नहीं नहीं हमारे वालदे ने कभी भी हम लोग को फोर्स किसी चीज़ के लिए नहीं किया कि तुम ये बन जाओ ये बन जाओ हुँ. क्योंकि वे समझते थे कि अगर मैं पायलट बनाना चाहूँगा ये डॉक्टर बनना चाहेगा आ, ये डॉक्टर बनना चाहेगा तो मैं सोचूंगा डॉक्टर बने तो वो कुछ और बनना चाहेगा तो इसलिए उन्होंने किसी को भी सब नहीं की। को ऐसे ही करना चाहिए पहले, पहले ये होता था कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते थे पहले होते ऐसे होता था कि कुछ पेरेंट्स ऐसे, ऐसे होते थे कि नहीं जी डॉक्टर ही बनना है अच्छा बहन भाइयों में सबसे ज्यादा क्लोज कौन है मेरे साथ असल में हम जो छोटू में चार हैं न अजहर महमूद मैं और असमा अच्छा हम चारों जो है ना एक है, उसके तरह साथ ज्यादा रहे हैं स्कूलिंग ज्यादा किए हाँ, गैप कम हो गए, दो दो साल का गैप है लेकिन वो उसमें हम फिर भी साथ ही रहे ज्यादा ना हाँ, हाँ। जो बड़े भाई थे ना वो सारी माशाल्लाह से मतलब शुरू से ही थे बड़े हाँ। तो वो इसलिए हमें हम लोग का ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बाकी सबसे ही है वैसे तो लेकिन हम ज्यादा है आपस में महमूद है मैं हूँ अजहर है महमूद के साथ मेरी ज़्यादा रही है क्योंकि हमने स्कूलिंग भी साथ की है उसको बाजा बजाने का शौक था हारमोनियम गजलों का शौक़ था आप तबला बहुत अच्छा बजा तो उसकी वजह से मैं तबला बजाना सीख लिया क्योंकि वो जब यूएस में स्कूल जब हमारी छुट्टी होती थी वीकेंड में तो उसको शौक था गाना गाने का तो तबले वाला कोई नहीं होता था हाँ। वो मुझे ले जाता था क्योंकि जो सिंगर होता था ना वो अपना तबला वाला साथ ले जाता था जैसे अपने बैट ले के आता क्रिकेट में अपना हाथ वो अपने तबले वाले साथ लेके फिरते थे महमूद की मैंने ऐसी ऐसी बजाता रहता ठक 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 बहुत थोड़ा बहुत आगे अच्छा लोगों को गुनाह की सजा मिलती है आपको गुनाह से फेम मिल गया फिल्म की बात करी ना? हाँ. तो क्लियर तो कर दें लोग क्या समझेंगे <laughs> फिल्म की बात कर रही आप हाँ फिल्म गुना अच्छा वैसे मैं बताऊँ सच्ची बात आज मैंने कोई शौक नहीं था मुझे फिल्मों का ड्रामों का चीज़ों का

मुझे लगता है बहुत देसी है ना मैं अच्छा, मुझे शौक था माइकल जैक्सन देवा स्टाइल अच्छा। हाँ अमेरिकन स्टाइल थोड़े जिगलो टाइप गाने और चीज़ें करता था मैं खैर एनी anyway. अच्छा ये आपका माशाल्लाह मैंने काफ़ी सुना है फिल्म इंडस्ट्री में कि काफ़ी अफेयर्स भी रहे हैं आपके अच्छा हम वहाँ से शुरू करते हैं गुनाह से तो मुझे ना इन लोगों ने कहा कि फिल्म करनी है आज मैं सही बताऊँ तो मैं मैंने क्या किया परवेज़ कलीम साहब ने मुझे मिले एक शादी में तो मैंने कहा यार ये ना मुझे लग रहा है पैसे से लेने के चक्कर में तो मैंने काट दी फिर सफ़ीर आया सफ़ीर जो है उनके भाई वो मुझे पकड़ के बैठ गए नहीं तूने फ़िल्म करनी फ़िल्म करनी फ़िल्म करनी मैंने मना कर दिया फिर एक दिन वो सब आ गए सफ़ीर वगैरह और वहाँ पर कुछ हमारे मिलने वाले बैठे हुए थे तो उसमें बहुत सारे लोग थे तो उनसे जब बात की उन्होंने कहा आप इनको समझाएं वो कहने यार क्या हो गया फिल्मों में लोग तो मर रहे थे जाने के लिए तू क्यों नहीं कर रहा आ, मैंने कहा यार नहीं फिर मैंने रात को सोचा कि यार एक फिल्म करूंगा अपने बच्चों को दिखाऊंगा तुम्हारे अब्बा भी एकदम फिल्म में आए थे <laughs> ये मैं सच बता रहा हूँ आज अच्छा। मेरी सिर्फ ये सोच थी मैं नहीं चलो मैं फिल्म छिप कर लेता फिल्म कर ली फिल्म करके फिर मैं वापस चला गया अमेरिका चला गया था फिर वहीं पर रुक गया था दो साल तीन साल तो मैंने काम ही नहीं किया था फिर मैं एक दिन यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लेके आया मुझे बहुत शौक था मॉल बनाने का शॉपिंग प्लाजा मॉल जिसमें सिनेमा थिएटर जैसे अमेरिकन अमेरिका में दुबई में होते हैं मॉल ऑफ एमर्स टाइप ये मेरा उस वक्त का आइडिया था कि यार ये मैंने बनाना है मैं आ गया मैंने जाके कुछ बातें की तो लिया सराजी मरूम कहने लगे अब अम्मा तुम किधर हो मैंने क्या हो गया कहने लगे तुम हिट फिल्म देख के गायब हो गए दुनिया में लोग हिट फिल्म दे के तो रुक जाते हैं तुम हिट फिल्म देख के छुप गए फिर मिसज नूर रुखसाना आप आ जाती हैं उन्होंने अरे भाई तुम कैसे हो तुमने फिल्म की और हम तुम्हें ढूंढते रहे जीवा के लिए इसके लिए मगर तुम मिले नहीं फिर हमें तुम्हारे जैसा एक लड़का मिल गया हाँ। मुझे समझ में नहीं आया कौन मिल गया खैर वो बातचीत वहीं ख़त्म हो गई लंबे बालों का ट्रेंड था हाँ तो। मैंने फिर कहा अच्छा अब क्या करना है तो वो मुझे कहना है कि अच्छा चलो तुम मेरे साथ तो इियास रशीद साहब थे वो अफादने वाला साहब और ये सारे लोग जो है ना मुझे पकड़ के ले गए मैडम शिवी मारा के पास कह लेंगे भाई इस लड़के को फिल्म करानी है अच्छा मैंने कहा मैंने नहीं करनी मैंने नहीं करनी फिर वो कह लेंगे भाई वो ऐसा है कि एक फिल्म है इस्तोल में तो मैंने कहा चलो इस्तुल ही घूम लेंगे तो उन्होंने कहा भाई इतने पैसे मिलेंगे आई थिंक फिफ्टी थाउजेंड बोले थे मुझे मैंने कहा चलो यार पैसे भी मिल रहे हैं फ्री टिकट होटल खाना पीना घूमना फिरना चलो इंजॉय करेंगे इस्तौल घूम लेते हैं अम्मी से बोलता रहता था बस मैं आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ इंशाल्लाह अभी अभी आता हूँ मैं तो वहाँ पे जब बात हुई तो मैं जब गया तो वहाँ पे एक दिन मैं बैठा हुआ था दबे रसन मरूम जो थे उन्होंने मुझे कहा कि आप फिल्म करेंगे मैंने कहा मैडम हस्बैंड मैंने कहा जी अच्छा आपको हाँ मुझे याद है उन्होंने कहा था मैंने जी जी कहने लगे अच्छा ये टिकट है मैंने के, जी, जी मेरा कह लेंगे नहीं अली का है उसकी फिल्म की ओपनिंग है तो हमारा हीरो है फिल्म का हाँ। तो मैं अली हैदर घर गया हैदर को टिकट दिया हाँ। फिर मैंने गफ् साहब को जाके बोला मैंने कहा ये तो अजीब काम कर रहे हैं मुझे कह रहा टिकट जाके दे दो ये दे दो ये दे हाँ। ये काम तो नहीं करता मैं हाँ। मैं हाँ। तो इतना टाइम ही नहीं होता हाँ। फिर वो दोबारा गए शौकत जवान साहब भी थे और सारे थे फिर उन्होंने जाकर खूब शोर मचाया कि ये क्या कर रहा तुम ये वो मैडम ने कहा फिर फिर अलिया रशीद साहब ने कहा कि देखो शमी मैं तुम्हें लेकर आया था एजाज साहब को लेकर आया था जिन लोगों में मोहम्मद जब को भी इंट्रोड्यूस किया वो कामयाब है तुमने इस लड़के को करना है काम तो बताओ वरना इसको इस तरह नहीं करो वो जिस फिल्म पर टिकट दिए थे हाँ। वो भी फिल्म मैंने की हाँ। उसी का हीरो मैं था और बाकी जो छः फिल्में थी ना एक साथ फिर वो तो आप तुम भी वहीं पे थी हाँ, बिल्कुल वहाँ पे मुझे एक छोटा सा रोल मिला था डांस का पोर्शन एक एक्शन का मिला था वो एक हमने गाना फिर मुकाबला किया था साहब का मेरा रीमा बाबर का तो हम चारों का गाना था रेशम भी, रेशम भी भी साथ थी। हम सारे डांस कर करके मर गए उसमें <laughs> लेकिन एंड में साहब की एंट्री आई और जबरदस्त ये हाँ, काम किया पता नहीं दिल से किया था नहीं क्या नहीं जो काम करते हैं दिल से करते हैं असर ज्यादा होता है लग रहा है अच्छा इस तरह फिल्मों में आया हूँ मत ये आपको बताना चाहता था मैंने किसी को नहीं बताई ये बता अच्छा। और जो गुना फिल्म थी ना हाँ? उसमें तीन से पाँच दिन तक रोज सेट पे भाग जाता था मैं मतलब फ़ोन किया किसके साथ प्रवेश कर साहब के सेट पे अच्छा उनको फोन किया उन्होंने कहा भाई छः बजे आ जाना शूट पर मैं छः बजे का बोल के बस मैं पहुंच रहा हूँ गायब शूटिंग ही पे नहीं गया कुछ छः सात दिन तक वो सिर्फ ढूंढते रहे मुझे कि भाई यार ये भाग जाता रहता मैं काम ही नहीं करता था नहीं फिर शौक हो गया था काम करने का फिर रात को उन्होंने कोई जब साढ़े दस, दस बजे पकड़ के लाए फिर उन्होंने दो चार सुनाई मुझे ठीक ठाक है यार हम इतने दिन से बैठे हमारा तो पैसे लग गए है बड़ा नुकसान हो रहा है तो फिर उन्होंने मुझे पीसी होटल की लॉबी में जो पार्किंग थी ना उसमें पहला सीन किया था गुना का अब वो जो सीन करें वो तकरीबन साढ़े बारह बजे शुरू है सुबह साढ़े चार बज गए थे मुझसे हो नहीं पा रहा था क्योंकि वो शर्म आ रही थी कि लोग मुझे देख रहे हैं अच्छा इतने जानने वाले थे कोई मिले अरे सब वैसे ही जानते थे मुझे अच्छा। अब मैं मिल रहा हूँ कह रहे फिल्म कर रहा हूँ मैं कह रहा नहीं नहीं भाई यार वो छोटा सा काम था <laughs> कह रहे यार तुम इस तरह बाते की बातें कि करो मुझे बहुत शर्म आ रही थी सुबह साढ़े चार बजे एक सीन किया मैंने अच्छा ये तो मुझे आपने अपनी ही बात याद करा दी कि मैं जब अपनी पहली फिल्म की शूट पर थी ना तो मुझे वहाँ पर पार्क में थी ये मॉडल टाउन पार्क लाहौर में तो मुझे वहाँ पर कोई स्टूडेंट लड़की मिली अपने स्कूल की तो मैंने कहा कि किसी को बताना ना मैं यहाँ शूटिंग ये ये था ना हाँ आ, तो उस वक्त हम लोगों को पता ही नहीं था अब अब लोग काफ़ी ग्रूम्ड आ गए हैं मतलब नहीं शुरू शौक़ तो उस वक्त बहुत लोगों का था हाँ। फिल्म में काम करने का और करते थे और बहुत मेहनत करते थे मैं एक दो को तो जानता हूँ एक एक्फा एक वाले थे उनको मैं जानता हूँ एक दो और लोग हैं अमेरिका में रहते हैं वो जब से मैं देख रहा हूँ बचपन से उनको शौक़ था फिल्मों में आने का हाँ। वो आज तक फिल्मों में नहीं आए उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी उन्होंने पैसा लगाया काम किया मेरे ख्याल सब कुछ लुटा दिया लेकिन वो नहीं आ सके ना बन सके कुछ आपके नसीब में था बस, बस हम लोग जो एंजॉय करने आते हैं ना वो वो चल गए अच्छा नसीब पे कितना बिलीव uh, है आपका हंड्रेड वन परसेंट कि नसीब हो तो वो काम हो जाता है हो जाता। आपके नसीब में नसीब के अलावा कि थिंक अ पॉजिटिव ऑलवेज बहुत से लोग कहते हैं मैं रैम्बोज कल बैठे हुए थे

गुस्सा आता नहीं मैं तो एन्जॉय करता नहीं, जब गुस्सा आता है तो फिर गुस्सा आता है में क्या फजूल बात आता पे आता है फजू मतलब किस किस्म की नहीं अगर कोई बात बात ऐसी बातें हैं ऐसी अब जो नहीं जो आता है। इर, इरिटेट होते हैं आप फॉर um, ले, ले, ले लेते हैं लोग यूज करते हैं या इस टाइप की हरकत करें या बैक बाइटिंग करें जाने बगैर क्योंकि जब तक आप किसी से मिलेंगे नहीं ना तो आपकी सोच वही होती है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है ना एक दूसरे की बातों पे यकीन कर लेते हैं जब मैं यहाँ पे काम करा था फिल्मों में तो एक दो जानने वाले थे वो जब वो बात करते थे नेगेटिव या कोई ऐसी बात कर दी तो मुझे गुस्सा आता था कि अरे क्यों ऐसी बात की तो बात है ही नहीं हुँ. जब वो बात ना हो और की जाए उस पर आपको गुस्सा आता, आता है गुस्सा नेचुरली सभी को आता होगा सभी को आता है दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है देना एक दूसरे को रिस्पेक्ट तो आप जिस लेवल पे आप मिलेंगे उसी लेवल पे मैं मिलता हूँ जिस लेवल पे आप जाएंगे मैं उस लेवल पे जाऊँगा जिस लेवल पे आप आ जाएंगे उसी लेवल पे मैं भी आ जाऊँगा अच्छा आपके बारे में मशहूर है कि आप यारों के यार हैं कि मतलब कि दोस्ती करते हैं तो उसको निभाते हैं कहीं भी आ, आपके कोई भी दोस्त को कहीं आपकी ज़रूरत हो आप ज़रूर पहुँचते हैं हाँ जिससे हमारा ताल्लुक़ होता है और मेरी जवेरी से ये हमेशा यही बात करता हूँ कि भाई जब मेरे घर में कोई खुशी होती है कोई इवेंट होता है मैं कहता हूँ जो लोग मेरे साथ पूरे साल रहे ना वही होंगे उसमें हुँ, हुँ. मतलब मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो तो दो साल में एक दफ़ा मिलते हैं चाहे वो रिश्तेदार हों चाहे वो कोई भी हो बहन भाइयों को निकाल के सची बात है बहन भाई तो रहते हैं साथ हाँ लेकिन जो मिलने वाले होते हैं ना जिससे अपने काम के लिए या ताल्लुक के लिए फ़ोन कर देंगे या वो मुझे नहीं जिनसे हम मिल रहे हैं ना चाहे वो जो भी हैं कोई जरूरी नहीं आप अपर क्लास हो लोअर क्लास हो मिडिल क्लास हो लेकिन जो मिल रहे ना अच्छे वक्त में भी हो बुरे वक्त में साथ हैं वो हर जगह होने चाहिए मेरी नज़र में स्टूडियो में सुना है आपसे लोग डरते थे हाँ तो सच बोलने वाले से सब डरते हैं लेकिन मैंने कभी किसी से ज्यादती नहीं की हाँ। ना हो बस मैंने ये जरूर किया ज्यादती नहीं होने दी किसी के साथ अपने साथ भी नहीं होने दी और किसी के साथ दूसरे के साथ भी चाहे वो मेकअप मैन हो चाहे वो लाइट मैन हो चाहे एक्स वाई जी हो तो अक्सर ये होता था कि चाकत वगैरह पर उनके पैसे नहीं मिलते तो मैं जाके हम्म निकलवाता तब बोलता था पैसे दो गए तो ये मैंने ज़रूर किया या किसी के साथ कोई किसी प्रोड्यूसर ने बदतमीज़ी कर दी चांटा मार दिया आपको पता है किस टाइप के थे प्रोड्यूसर्स हुँ. तो ये होता था कि यार आप उनसे क्यों बदमाशी करें गरीबों से तो ये है अच्छा इतनी बहुत टॉप की हीरोइंस के साथ आपने काम किया इतनी फिल्मी हिरोइनों के झुरमट में एक टीवी से आई हुई लड़की कैसे उसको पसंद कर लिया और शादी के लिए हाँ भी नहीं, कर नहीं, कोई तो हाँ। को पसंद किया ना मुझे पता था ना मैं हाँ। जानता था तुम्हारे मियाँ और मैं हाँ। एक प्रोग्राम में गए बड़ी बाजी अमेरिका से और नीलम जो मेरी भाजी है उन्होंने जवेरे को देखा पसंद किया और मुझे आगे बोला मामा वो जो लोग लड़की पीछे बैठी ब्लैक ड्रेस में वो देखे तो अम्मी मिलना चाहिए मैंने फिर रैम्बो को बोला मैंने कहा रैम्बो पीछे ब्लैक ड्रेस में देखी लड़की

अब अब तो खुशी से फूले नहीं समा रही अब तो माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह तो वो बस फिर तरह से हुई फिर वो बाजी गई फिर मैं मिला फिर मुझे पता लगा कि ड्रामो में आती है अच्छा अच्छा नहीं, नहीं पता नहीं था रहा? कि ये ड्रामा एक्ट्रेस है कुछ भी नहीं पता हाँ। था तो फिर मैंने नीलम से पूछे कौन सा ड्रामा आई है तो उसने कहा कि वो आजकल अना चल अना ड्रामा फिर मैं अना में देखा उसे अपनी भांजी से पूछा नीलम हाँ, तो से हाँ उसने पूछा उसने बोला तो तो कौन सी कौन सी तो देखा अच्छा कौन सा रिश्ता ऐसा है जो बहुत प्यारा लगता है रिश्ते सारे अच्छे हैं और अल्लाह के बनाए हुए भाई सबसे बड़ी बात यह है तो रिश्ते सारे अच्छे होते हैं जो अल्लाह के बनाए हुए है बाकी जो रिश्ते हम चुनते हैं दोस्त ये सब ये हमारे बनाए हुए तो लेकिन उनमें जो सबसे मेरा खास अच्छा रिश्ता है वो बेटी माँ बाप बाप और बेटी का है तो मेरे जन्नत से ज़्यादा है इब्राहिम से भी बहुत है ऐसे नहीं कि वो उसमें कमी है लेकिन जाहिर ज्यादा लड़की है तो वो उसमें ये फील करता है ना कि अभी सोलह साल हो गए दस साल और होगी गई चली जाएगी शादी करके जब ये कभी पढ़ाने का कहती करती तो मैं उसे उसको बोलता हूँ यार क्यों इतनी मेहनत कर रही है उसको इंजॉय करने से ज़िंदगी फिर आगे जाके उसने शादी कर लेनी है तो फिर उसकी मर्ज़ी का काम होगा तो क्या जरूरत है अच्छा बेटियाँ बाप से ज़्यादा अटैच होती हैं और बेटे माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं आपके यहाँ भी ऐसा ही है बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन दोनों मेरे साथ अच्छे हैं और हम लोग साथ ही होते हैं लेकिन हाँ थोड़ी सी ये होते हैं उसकी प्रायरटिया है, बड़ी भी है जाहिर सी बात है तो और इब्राहिम भी अब माशा जितना ही है तो क्योंकि जब वो अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है ना लड़के ज़रा हमेशा ना टाइम लगाते हैं तो इब्राहिम ने भी टाइम लगाया अब वो ज़रा हमारी दोस्ती ज़्यादा हो गई है तन्हाई में रहना पसंद है या लोगों में अच्छे लोगों में रहना पसंद है अच्छे लोगों में हाँ जो खुश हों खुश रहें और अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग रखें उनमें रहने का ज़्यादा मजा आता है हंसी मजाक मुझे अच्छा लगता है हाँ इन्जॉय करें कभी तन्हाई में सोचते हैं क्या सोचते हैं तन्हाई में तन्हाई में नहीं नहीं मैं

अब जो है ये होता है कि मिलते रहने चाहिए आना जाना चाहिए फिर माशाल्लाह से ये होता है कि जब एरिए में होते हैं बच्चे हो जाते हैं उनके साथ वीकेंड गुजरते हैं तुम लोगों की भी लाइफ चल रही है तो वो अब इतना फील नहीं होता अच्छा कौन सी ऐसी गलती है कि अगर दोबारा से आपको जिंदगी मिले तो उसको दोहराना नहीं चाहेंगे रेम्बो से दोस्ती कैसा दिया वेरी गुड बहुत बहुत जबरदस्त तो ये है गलती अच्छा ये गलती है बिल्कुल ये तो मजाक था दूस मेरे ख़्याल से कोई ऐसी गलती इंसान परफेक्ट तो है नहीं तो गलतियां तो होती हैं तो दोहराने के ये कि इंसान मोहताद हो जाएगा अगर आगे ना करे एक गलती ज़िंदगी की मुझे समझता हूँ कि ट्रस्ट चुके करते हैं ना लोगों पे। उसको दोहराना नहीं चाहिए जिनके साथ जिन्होंने नुकसान पहुँचाया ना उनसे कभी भी क्योंकि ना एक दफ़ा आप किसी से अगर हो जाए ना तो दोबारा वो चीज़ दोहरानी चाहिए आराम से लोगों पे एतबार कर लेते हैं बहुत जल्दी बहुत जल्दी, अभी भी। और फिर धोखा खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह <laughs> <laughs> तो वो खाते रहते हैं खैर चलते रहते हैं लेकिन अब आदि से हो गए वो उतना फील नहीं होता शुरू शुरू में बहुत सेंसिटिविटी थी अब नहीं है अब पता लग गया है, नहीं ऐसे ही है सब तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है और मैं बताऊँ अच्छे और सच्चे दोस्त क्या होते हैं वो कुछ भी हो जाए ना वो आप मिल ही जाते हैं मिल गए ना हाँ <laughs> कहीं घूम फिर गया वापस में ले क्योंकि वो हाँ। जो वो सेंसरिटी ना वो नहीं मिलेगी अब जो हमारे ताल्लुका हैं चाहे वो जैसे भी हों लड़ते फिरते दूर हैं हैं <laughs> दूर है। लेकिन वो कराची सब हम लाहौर हैं हाँ। लेकिन वो रहेंगे हाँ। नाराजगियां भी होंगी ये नहीं होता कि परफेक्ट है कि नहीं बिल्कुल खुश रहेंगे अरे दांत बा रहेंगे नाराजगी भी हो सकती है लड़ाई भी हो सकती है बहस भी हो सकती है दस चीजें हो सकती हैं लेकिन वो अच्छी बात यही होती है कि दोस्त की Uh, सारी बुराइयाँ भी एक्सेप्ट करनी चाहिए उसकी अच्छा के साथ किस चीज़ से डर लगता है किस चीज़ से डर लगता है अच्छा जैसे मैं अपनी बात बताऊँ कि मुझे बुढ़ापे से बहुत डर लगता है बूढ़ा होने से एक होती है ना एज जब आपके जिसम में ताकत नहीं होती हैं की बताऊँ जी चीज़ है ना कि आप जो मेंटल लेवल है ना आपका दिमाग जो है यही आपको जवान रखता है और यही आपको बूढ़ा कर देता है यही आपको बीमार रखता है और यही आपको सेहतमंद रख सकता है उसकी वजह बताऊँ क्या है अगर तुम भी गई हो अमेरिका या यूरोप इंग्लैंड हर जगह हाँ। नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन हंड्रेड इस उम्र की औरतें एक साथ टूर पे निकली होती घूम रही होती हैं हंस रही होती हैं और दो की स्पीड से चल रही होती हैं लेकिन कर रही होती हैं गाड़ी भी चला रही होती हैं तो वो लोग तो उनको फीलिंग नहीं होता हमारे यहाँ तो यहाँ पे मैं खासा पचास साल क्रॉस करते कहती हैं नहीं बेटा मैं नहीं जा रही मैं बुढ़े हाँ। हो गई हूँ अरे भाई क्यों हो गई हो तो यहाँ पे हम लोग मेंटली तौर से बुढ़े हो जाते हैं वरना हाँ। मेरे हिसाब से तो बाहर मुल्कों में तो कोई ऐसा फील नहीं करता है। बाकी ये कि मैं तो बस यही समझता हूँ तो ऐसा कोई खौफ आपके दिल में नहीं है नहीं ये खौफ जिंदगी काम काम के हवाले अभी सोचे ही नहीं खौब ये चीज़ें ऐसी क्योंकि ये सोचने से तो आदमी डिप्रेशन में जाएगा तो क्यों डिप्रेशन में जाए इन्जॉय करें अच्छा अब एक एक तो जब आप वही वाली बात जो मैंने अभी पहले कही थी कि पॉजिटिव अपने आप को हमेशा रखेटिव पॉजिटिव रखें नियत नियत तो आपकी वेव्स भी पॉजिटिव हो जाती चीजें भी अच्छा अब एक एक लव्स को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें जैसे कि वफ़ा वफा अपनी फैमिली के साथ करनी चाहिए ख्वाहिश हर चीज की ख्वाहिश करनी चाहिए अना अना में बहुत नुकसान है जिंदगी बेहतरीन ये जिंदगी हसद बेकार चीज़, चीज़। फितरत फितरत अच्छी होनी चाहिए ताकि वही चीज़ कैरी करेंगे तो आगे लोग आपको पसंद करेंगे मोहब्बत मोहब्बत जितनी हो सकती करो नफरत नफरत नहीं करनी चाहिए उसका हल निकालना चाहिए फैसला कर लेते हैं लोग मुझे इससे नफरत है हुँ. मैं समझता नहीं उसको पहले पहलू देखो अच्छा कोई ऐसा पछतावा जो जिंदगी में रहा हो कि ये नहीं मैंने क्यों किया ऐसा रिग्रेट होता है ना आपकी लाइफ में कोई भी मैंने ये क्यों किया हाँ। नहीं मैंने कभी भी नहीं सोचा हमेशा अपने हमेशा... फैसले जो हैं वो समझदारी से किए हैं नहीं गलतियां है, बहुत की हैं ऐसे भी नहीं है फैसले मैंने अब जैसे मैं बताता हूँ एक चीज कि जब हम काम कर रहे थे और जब मैंने ड्रामे शुरू किए तो मैंने अपने करेक्टर्स सब लोगों को दिए मैं खुद भी कर सकता था ना लेकिन हाँ। मैंने कहा नहीं यार इस, ये आगे तो आए हाँ। इसको दो इसको चांस दो इसको दो इसको दो इसको मौका दो इसको भी दो मौका तो मैंने सब लोगों को काम दिया अपनी प्रोडक्शन में देख लें मैं खुद कभी हीरो नहीं आया

पता नहीं वो शर्म आती उन्हें कहते हैं ये क्या है लेकिन खैर इन्जॉय करें अच्छा आपका जो ड्रामा था वो एक ट्रेंड सेटर रहा है ये ज़िंदगी है उस तरह के वही मैं देखती हूँ कि अभी तक उसी टाइप के कुछ ड्रामे आ रहे हैं कि वो बाहर तख्त लगा हुआ उसी है उसी टाइप के अभी भी और, आएंगे और हाँ। आते ही रहेंगे वो ट्रेंड ख़त्म नहीं होगा वो पचास साल वही चलेगा एक अमीर घर है और एक गरीब घर है तो ये आप कोई भी ड्रामा उठा लो उसमें यही है आगे के लिए क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर के लिए तो हमने खुदा और मोहब्बत भी बनाया अच्छा पहला सीजन हमने बनाया उसका गाना जवेरे का लिखा है माशाल्लाह से और आज तक वही रिपीट हो रहा है उस पर ग्रेट में थैंक्स भी नहीं आता लेकिन ठीक है हमारे तो पता है ना हमने बनाया क्योंकि वो अब जो एक चीज़ आ गई ना यूट्यूब और ये सारा उसमें रिकॉर्ड आ जाता है कि कब बना था कब चला था किसने लिखा था कौन सा ड्रामा था कौन किस ड्रामे में पहली दफ़ा आया अगर मैं कहूँगी कोई कहे कि मैं तो उस ड्रामे में मैं तो उससे पहले से काम कर रहा था तो भाई वो पता लग जाएगा अगर से कर रहा था या एट्टीज से कर रहा था जब आप खुदा और मोहब्बत करने आए थे तो इधर ही हुआ था ना बाई स्टूडियो में हम देख कर आए थे, गया थे। गया और हाँ। गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई थी सारी कॉम्पोजिशन वगैरह तब भी हम रिकॉर्डिंग में साथ साथ थे कि बड़ा अच्छा गाना है वो अभी तक अभी तक चल रहा है हाँ और उसमें भी जो वो कैरेक्टर्स थे वो उसमें से मैं कर सकता था कुली वाला भी कर सकता था उसमें मैं जो दूसरा था मोलवी अहमद से वो भी कर सकता था बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैंने सब कुछ आंस दिया तो चलो ये ये काम करें तो ये हर आदमी नहीं कर सकता अच्छा आप क्या समझते हैं कि लोगों ने आपसे फ़ायदा उठाया है हाँ हाँ उठाते हैं लोग फायदा एक दूसरे से क्यों नहीं और उठाना भी चाहिए मैं कहता हूँ फ़ायदा ज़रूर उठाएं लेकिन उसको याद रखें फ़ायदा उठा के याद नहीं करते याद नहीं रखते हमारे पड़ोसी मुल्क में और हॉलीवुड में या दूसरे मुल्कों में जो कामयाबी है ना वो यही है क्योंकि वो बुरा वक्त याद रखता है अक्सर लोग और, अपने अपने बता दोस्तों होते को हैं। बताते हैं कि मैं जब इस बुरे हालात में था तो इस बंदे ने मेरी मदद की उसका हाथ खड़ा करके हुँ। अगर आप देखें सलमान खान का भी देखें उसने किया गोविंदा ने बताया सलमान के बारे में या एक दूसरे के बारे में ओपनली बताते हैं कि हमारे साथ किसने अच्छा किया यहाँ पे तो बताना इस शर्म समझते हैं या अपने आप को फील करते हैं कि पता नहीं अगर हम बता देंगे तो अच्छा नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि मुझे अगर लियाज़ रशीद साहब लाए तो सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी होती है कि परवेश कलीम साहब ने फिल्म लिखी और मुझे लिया तो मुझे तो बड़ा फख्र है मानना चाहिए गो के मैंने उसमें क्योंकि ये ज़रूर कहूँगा कि उसमें आम, जो फिल्म की थी परवेज करीम साहब की उसमें यकीन उन्होंने फिल्म में चांस दिया काम दिया लेकिन मैंने भी फिर पूरा किया उनके साथ जो उन्होंने मुझे मौका दिया तो मैंने उससे ज़्यादा एक मौका उन्हें भी दिया दोबारा निभाया आपने निभाया वो उनको पता है कैसे निभाया तो इंसान जो है ना पे बैक ज़रूर करें जब आपका अच्छा वक्त हो ना आप पे बैक करें मैं ये समझता हूँ अच्छा आगे क्या सोचते हैं आप अपने बारे में अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या करना चाहते हैं आगे जो पीछे आप नहीं कर सके बड़ी अच्छी बात है थोड़ी पॉलिटिकल हो जाएगी लेकिन मैं बताऊं बहुत से लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब इमरान खान ये सब चेंज ला सकते हैं फ़लां बंदा लिया वो नहीं आएगा चेंज जो आएगा हमारी नई जनरेशन से आएगा मेरी औलाद को जब मैं देखता हूँ ना बड़ा प्राउड फील करता हूँ मैं तुम्हारी औलाद को देखता हूँ प्राउड फील करता हूँ मुझे पता है कि ये लोग जो है ना मुल्क को बदलेंगे कोई लीडर कोई आदमी नहीं बदलेगा इस मुल्क को हमारी नई जनरेशन इतनी अच्छी है इतनी पॉजिटिव, और इतनी इतनी पॉजिटिव है, और है इतनी पॉजिटिव है और इतनी एक्यूरेट है कि मतलब तुम्हारे बच्चे या मेरे बच्चे तो झूठ बोलना पसंद नहीं करते किसी का मजाक उड़ा पसंद नहीं करते बिल्कुल भी नहीं और हर चीज़ को एक सिस्टम में लाना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है मेरे ड्राइवर के पास जब आया था तो उसने कहा कि सर मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मैं तो इब्राहिम ने मेरे कान में आके कहा बाबा ये उसके साथ नहीं बैठेंगे हम इसके पास लाइसेंस नहीं है तो so, ये कौन सोचता है इस मुल्क में दस साल के बच्चे की सोच जब ये हो कि नहीं इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं इसके साथ हम नहीं बैठेंगे अच्छा में। एक और भी बात थी मुझे इब्राहिम की याद आई कि ये किसी स्टोर पर कुछ लेने गया था तो उनके पास था नहीं तो रोने लग गया था कि ये अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर नहीं वो उसने हाँ। कुछ चीज़ उसको पसंद आई हाँ। तो वो उसके पास गया उसको बोलने का कि मुझे ये चाहिए कुछ हाँ। तो चिप्स थे या क्या हाँ। थे कुछ थे। तो उसने बोला नहीं है हुँ, हुँ। तो उसके बाद जो है वो आगे गया तो वो रखी हुई थी हाँ। उसने वो उठाई है और उठा हाँ। के वो रोने लगा मैंने कहा क्या हो गया कहना बाबा इस आदमी ने उससे झूठ बोला यहाँ पे काम करता है ये कैसे काम करता है यहाँ पे झूठ भी बोलता है हाँ। इसको नौकरी से निकलना है अभी निकाले से, मैंने मेरी जगह थोड़ी है मैं कैसे तो ये ये जो हमारी नई जनरेशन है ना हाँ। ये है हमारा फ्यूचर कोई लीडर कोई कुछ नहीं है हमने अपने मुल्क को और अपने लोगों को ठीक करना है इस जनरेशन से यही करेगी जब तक आप अपने आप से सिंसियर और प्योर नहीं होंगे तब तक आप लोग इस बात को समझते नहीं है कि पाँच पॉलिटिशियन होंगे पाँच उलमा होंगे पाँच हजार लोग होंगे जिनको आप नावज़िल्ला मतलब मैं नवजबल्ला से कहूँगा कि हर एक को मैं जज नहीं कर सकता ये लोग कर लेते हैं लेकिन जो बाईस करोड़ लोग हैं हम खुद सही नहीं है ना दूसरे मुल्कों में क्या मतलब दुबई में कोई शेख आके रोड पे खड़ा होकर लाइन लगवाता है या अमेरिका में बाइडन आके कहता है कि ठीक चलो आवाम है पूरी दुनिया में हम आवाम एज ए आवाम हमें ठीक होना पड़ेगा हम अगर दूसरे पे कहें कि ये ठीक नहीं, 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 नहीं है ठीक नहीं कैसे ठीक नहीं है हम ठीक नहीं हैं तो हमें पहले सही होना पड़ेगा इसीलिए मुझे नई जनरेशन से पूरी उम्मीद है कि वही इस मुल्क को चलाएगी इनशा इन अच्छा जी बातें तो होती रहेंगी इस तरह बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत शुक्रिया आपका बहुत अच्छा लगा और बड़ी मज़ेदार गुफ्तु हुई बहुत कुछ मिला आप जानने को आपके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे लग रहा है पहली दफा मिला हूँ आपसे मैं इतनी सोपर हो गई इतनी तमीज से बात कर रहे दुख हो रहा है नहीं यार बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मजा आता है और um, मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग देखो फायदा उठाते हैं ना साइबर एम्बो लाहौर में तो टेंशन नहीं है सऊद जवेरिया कराची में तो टेंशन ही नहीं है हम आराम से रह लेंगे वहाँ जाके आप आराम से रह लेंगे यहाँ लेकिन मैं साफ साफ बता दूँ अब के आना तो अपने ख़र्चे पे आना है <laughs> और मैं भी अपने खर्चे पे आऊँगा सुन लिया ऐसी <laughs> <laughs> कोई बात नहीं है ऐसे मजाक करते रहते हैं सुधा भट साहब सऊद साहब अगर आएंगे तो लाहौर हमारे घर ही आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे जी इसके साथ ही लेते हैं इजाज़त देखते रहिए लाइफ स्टाइल विद साइा अल्लाह